तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक करंट फ्लो करने वाला अगर अपन ने कंडक्टर ले मान लो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए अपन करंट कैसे इंड्यूस करेंगे या उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, तो वो अपन देखते हैं। अच्छा, आपने घर पर मोटर देखी होगी पानी की, जो नल वगैरह आते तो मोटर पानी भरते ना अपन। आपने कभी अगर वो ख़राब हो जाए या उसकी कोई शॉप वगैरह हो मोटर ठीक करने की, तो आपने देखा होगा मोटर बाइंडिंग की शॉप होती है, तो मोटर बाइंडिंग की शॉप पे आपने देखा होगा कुछ ऐसा करके मोटर की कोयल पे ऐसे करके बाइंडिंग होती है। मैं आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ऐसे कॉपर की वाइंडिंग होती है, वो अच्छा बड़े शेप में होती है थोड़ी सी, पर ये जो कॉपर वायर होता है उसकी वाइंडिंग मोटर पर की जाती है। और आपने देखा होगा मोटर की वाइंडिंग के में एक शाफ्ट ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके वाइंडिंग होती है और शाफ्ट उसमें घुमाई जाती है और इनको कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, आपका करंट वगैरह इंड्यूस्ड होता है, करंट फ्लो होना शुरू होता हो जाता है। तो चलिए कैसे होता है वो अपने बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये कॉपर की वाइंडिंग होगी, ठीक, और ये मैंने आपको एक पेंसिल जैसे ली मैंने, तो इसको मान लेना ये मैग्नेट है, क्या है मैग्नेट है, ठीक है। तो अब इस मैग्नेट को अपन क्या करते हैं, इस वाइंडिंग के यहाँ पे रख के इसमें क्या करते हैं, इसको घुमाया जाता है, इस वाइंडिंग के अंदर ये करके इसको घुमाया जाता है। तो होता क्या है, और इस वायर को, जैसे वायर है, अगर आपको मैंने वो जो PDF फाइल भेजी है उसमें आप देखिएगा, उसमें सर्किट बना रखा है, मैं आपके सामने सर्किट बना के बताता हूँ। जैसे ये एक सर्किट है, बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पर और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ये वायर है, इस वायर को यहाँ से जैसे कनेक्ट कर रखा और ये वायर ऐसे करके यूँ आ रहा पूरा, ठीक है। ये की लगा दी यहाँ पर और यहाँ पर मान लो बैटरी लगा देंगे, तो हो क्या, इस वायर से इस वायर तक कनेक्ट कर रखा और मान लो इस कोयल को अगर अपन इसमें घुमाएंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो होने लग जाएगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। किसके कारण, इस मैग्नेट के घूमने के कारण, क्योंकि मैग्नेट जो है, ये चुंबक जो है किसको फ्लो कर रही है, ये मैग्नेट किसको फ्लो कर रही है आपके, जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर घूमना शुरू हो जाएगी, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, अगर इसमें रोटेट होती जाएगी तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ही क्या फ्लो होने लग जाएगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेट का इफेक्ट आपका, ठीक। इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन भी देखते हैं, आएंगे आपके आगे, तो वो भी आपको मैं क्लियर कराऊंगा साथ में। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंपास नीडल, जैसे एक छोटा सा मैं कंपास बनाता आपके सामने, और आपने देखा होगा कंपास नीडल कहीं पर जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे मूवीज के अंदर आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर जो जहाज होते हैं, तो वहाँ पर एक नीडल टाइप ऐसे बना रहता है, इसमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन शो करते हैं वो नीडल, उनको डायरेक्शन का पता चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए वो क्या ले जाते हैं अपने साथ, कंपास नीडल ले जाते हैं। इसको इसका डायग्राम है आपके कंपास नीडल का, तो ये इसका यूज़ क्या होता है, डायरेक्शन को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं वो लोग। तो वहाँ पर कंपास नॉर्थ और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट, ये सारे पोल बताने का काम करती है, मैग्नेट लगी रहती है इसमें, तो ये अर्थ के मैग्नेट से चलती है वहाँ पर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपास नीडल, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप अपने गूगल मैप में भी देखो तो वहाँ पर भी सुई वगैरह घूमती रहती है नीडल अपनी, तो वो भी इस मैग्नेट के ऊपर ही काम करती है। तो अपने क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो बोला है कि अगर ये कंपास नीडल है और अगर मैं इसके पास में अगर मान लो एक मैग्नेट लेके ले चला जाऊँ और इसे रख दूँ मान लो सपोज, तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है, ये मैग्नेट के कारण, इस मैग्नेट के कारण मान लो ये कंपास नीडल, ये डिफ्लेक्ट क्यों होगा, मतलब डिफ्लेक्ट होने मतलब ये सुई जो है ये क्या होती है, हो सकता है मान लो ये सुई इधर नहीं होगी, किससे किधर चली जाए, वो ऐसे चली जाए, इधर नहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मतलब ये घूम के कहाँ आ जाए, ये पूरा इधर आ जाए, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है, ये मान लो इधर से इधर लेके आ जाए अपन, तो ऐसा क्यों होता है, मैग्नेट नीडल घूम क्यों घूमती है। तो मैंने आपको भी बताया कि जो भी मैग्नेट होगी उसमें क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है आपका,
तो इनसे कौन सी लाइन निकलती है हमेशा, ये जो मैग्नेटिक लाइन है वो निकलती रहती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन लाइन से क्या बनता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस लाइन्स के कारण क्या बना आपका, मैग्नेटिक फील्ड बना। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, कंपास की जो नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी वो हिल जाती है अपनी जगह से। आई बात समझे, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, तो आज के दोनों टॉपिक अपनों ने कम्प्लीट करे, इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में। तो आज का आपका वर्क रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपने को आपकी लैंग्वेज में लिख के मुझे बताना है, फिर मैं आपको इसका रियल आंसर होमवर्क में फिर आपको करना है, और फिर मैं आपको इसका रियल आंसर सेंड करूंगा ग्रुप में। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर जो समझाया मैंने उस हिसाब से आप लिख के बताना, ये होमवर्क रहेगा आपका साइंस का। ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।